नीम का पेटेंट अमेरिकन्स ने WR ग्रेस एंड कंपनी USDA के साथ मिलकर के एक ऐसी रचना रची कि उन्होंने 1993 में इसका पेटेंट करा लिया। वो समझे कि भारतवासियों को मालूम नहीं होगा कि हमने जो पेटेंट कराया है ये गलत है, लेकिन हम तो श्रेय देंगे वंदना शिवा को, एक NGO हैं दिल्ली में जो बहुत ही एक्टिव हैं, बहुत काम करने वाली NGO हैं। उनको जब पता चला तो वो बैठे कंप्यूटर पर और उनसे पता नहीं चल पाए क्योंकि उस समय हमारे यहाँ कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं था। उन्होंने कई विदेशियों को कांटेक्ट किया कि भाई ये नीम तो हमारे यहाँ का पौधा है और इसको कैसे अमेरिकन्स ने पेटेंट करा लिया। ये गई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में कि नीम इंडियन ट्री है और इसको अमेरिका ने कैसे पेटेंट कराया। वहाँ डिसीजन को फफूंद नाशक दवाई के रूप में उसको उपयोग करने के लिए, तब उन्होंने विदेशी संस्थाओं को कांटेक्ट किया और वो लोग जब कंप्यूटर पर बैठे तो देखे क्या कि 1993 से पहले डॉक्टर UP सिंह यानी मेरा 4 पर्चे पब्लिश हो चुके हैं। और जब पर्चा पब्लिश हो जाता है तो पेटेंट नहीं कराया जा सकता, ये पेटेंट का नियम है। तो कैसे अमेरिकन्स ने करा लिया और तब उसने कहा कि फिर से यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में अपील दायर की और हमको इन्फॉर्म किया। हम उस समय जापान में थे 1993 में और हमने कहा कि हम आने के बाद ही इसका एफिडेविट देंगे। उनका ने कहा कि मैं आ रहा हूँ 1 महीने बाद, तब फिर हमको आप बताइएगा, मैं एफिडेविट दूंगा। आने के बाद मेरा लीगल एफिडेविट वहाँ जमा हुआ और उसके बाद मुझे ले जाया गया म्यूनिख कि चलिए आपको तो यूरोपियन पेटेंट ऑफिस में अपीयर होना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा कि ये आप ही का काम है। मैं गया वहाँ और वहाँ पर 9 और 10 मई 2010 में ये डिसीजन केवल 3 शब्द का हुआ 10 तारीख को ठीक 2 बजे कि नीम पैटर्न रिवोक्ड, 3 ही शब्दों में रिवोक्ट कर दिया।